दोस्तों नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री एवं भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने हेतु एक मोबाइल नंबर जारी किया गया है 90131 51 515। दोबारा बोल रहा हूँ 90131 51 515। इस नंबर को आप अपने व्हाट्सएप में सेव करके कोरोना वायरस से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं उसकी प्रक्रिया आपको समझाने जा रहा हूँ। मैंने भी ये नंबर अपने मोबाइल में सेव किया है। अब आप देखिए ये कैसे काम करता है। व्हाट्सएप नंबर, मैंने व्हाट्सएप खोला और कोरोना नंबर के नाम से मेरे द्वारा ये सेव किया गया है। मैंने यहाँ इसको खोला तो यहाँ सबसे पहले माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क का मैसेज आता है। उस पर आप कुछ भी टाइप करके उनको प्रेषित कर दें। मैंने यहाँ नमस्कार करके उनको प्रेषित किया तो उनके द्वारा मेरे को यह संदेश प्राप्त हुआ। क्योंकि मैंने नमस्कार द्वारा यह संदेश भेजा था, अतः उनके द्वारा यह नीचे लिखा गया है कि हिंदी भाषा में बदलने के लिए कृपया टाइप करें हिंदी या अंग्रेजी में हिंदी। मेरे द्वारा हिंदी शब्द टाइप करके उनको भेजा गया तो उनके द्वारा मेरे को विकल्प चुनने की सलाह दी गई। इसमें आप देखेंगे कि 7 विकल्प उनके द्वारा दिए गए हैं। नंबर 1, भारत में कोरोना वायरस की नवीनतम जानकारी। नंबर 2, कोरोना वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। नंबर 3, कोरोना वायरस कैसे फैलता है। नंबर 4, कोरोना वायरस के जोखिम को कैसे कम करें। नंबर 5, चिकित्सा सलाह एम्स। नंबर 6, राज्य और भाषा विशिष्ट चैट बॉट गुजरात और महाराष्ट्र के लिए। नंबर 7, सहायता कहाँ से प्राप्त करें। मेन्यू विकल्पों का चयन करने के लिए आप 1 2 3 4 5 6 7 टाइप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मेरे द्वारा नंबर 1 टाइप करके भेजा गया तो उनके द्वारा मेरे को जानकारी प्रदान की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के 24 मार्च 2020 को सायंकाल 8 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। यहाँ वीडियो देखें। कोरोना वायरस की नवीनतम जानकारी 27 मार्च 2020 सुबह 11 बजे तक, ये आप देख सकते हैं। ये विस्तृत जानकारी उनके द्वारा मेरे को उपलब्ध कराई गई और साथ ही उपयोगी सूचना के तहत जनहित में दवाइयां उपभोक्ताओं के घर पर पहुंचाई जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा। कोविड-19 से लड़ने वाले प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी को बीमा योजना के तहत 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। संक्रमण रोग नियंत्रण रणनीति के अनुसार सरकार दृढ़ता से काम कर रही है। आप देखेंगे कि उपयोगी सूचना के तहत काफ़ी जानकारी इसमें प्रदान की गई है। उसके बाद इसमें उनने एक लिंक भी दी है mygovernment.in/covid-19 या www.mohfw.gov.in। इसके बाद उनने बताया है लक्षण के लिए कृपया 2 टाइप करें, कृपया 3 4 5 6 7 टाइप करें अन्य विकल्प देखने के लिए, मुख्य मेन्यू देखने के लिए मेन्यू टाइप करें। विकल्प कौन से ये आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कोरोना में
भारत में कोरोना वायरस की नवीनतम जानकारी ये आप देख सकते हैं, सातों विकल्प यहाँ दिए गए हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अफवाहों से सावधान रहें और जो वास्तविक जानकारी है वह इस नंबर 90131 51515 को अपने मोबाइल के व्हाट्सएप में सेव कर ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको इस नंबर का महत्व समझ में आ गया होगा और आप इसका भरपूर उपयोग करेंगे। घर में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। साथ ही यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के लक्षण, खांसी, बुखार अथवा हाथ पांव दर्द, जो निर्देश जारी किए गए हैं, इस तरह की कोई जानकारी बीमारी या लक्षण दिखाई देते हैं तो प्रशासन द्वारा दिए गए हेल्पलाइन या स्वास्थ्य विभाग के नंबर पर संपर्क करेंगे। धन्यवाद।